हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। इंडियन ऑडियंस को जो चाहिए वो दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन फाइनली अब कुछ यूथ, कुछ यंग डायरेक्टर्स आ गए जिन्होंने भाप लिया कि भाई इंडियन ऑडियंस को क्या मांगता है, और वो लोग वही दे रहे। लेकिन साईफाई के जॉनर में देखा है तो हमारे इंडिया में बहुत सी कम ऐसी मूवी जिसने इस पर्टिकुलर जॉनर को एक्सप्लोर किया होगा। हालांकि एस शंकर एकमात्र ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने साइंस फिक्शन इस पर्टिकुलर जॉनर पर मूवीज बनाई है, और उनकी मूवीज बहुत ज्यादा कलेक्शन भी की है, बहुत सारी मूवीज है यार उनकी। लेकिन अटैक पार्ट वन का सेकेंड ट्रेलर आया, जिसे देखने के बाद एक ही चीज कह सकता हूँ कि फाइनली जो इंडियन ऑडियंस एमसीयू की मूवीज देखना पसंद करती है उनको फाइनली वही सारी चीजें, हालांकि उस लेवल की तो नहीं लेकिन हाँ इंडिया में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये मूवी इतना ज्यादा तो कलेक्शन नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये मूवी शुरुआत कर देगी एक नई तरह की मूवी की। वाकई में नए इंडिया के ऑडियंस को इस तरह की ही मूवी देखना, पर्टिकुलर मूवी का पूरा श्रेय इसके डायरेक्टर इसके राइटर को देना चाहिए, ना कि जॉन अब्राहम और इसके प्रोड्यूसर, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मूवी के लिए मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। अब आप लोग का क्या ओपिनियन है अटैक पार्ट वन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।